स्मोक के तदारुक के लिए आज लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन। मुतासर अजला में नकलो हरकत महदूद रखी जाएगी। तमाम मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बेकरीज, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर, इंटरनेशनल आईटी सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए होगी। हुकूमत की एहतियाती तदबीर की एहतियात मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है, गुज़िश्ता 2 रोज़ा लॉकडाउन से स्मोक में कमी वाकई हुई। कहीं हल्की कहीं तेज, कराची और अंदरून सिंध के कई शहरों में बारिश। ठंडी हवाएं, सर्दी में इजाफा। शहर की फजा में मौजूद गर्दो गुबार छट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में बारिश और झालाबारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का रात गए लिबर्टी और गार्डन टाउन के पुलिस खिदमत मराकज का दौरा। शहरियों की शिकायत पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल तेज करने की हिदायत। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमराह। मैं हाईजैकिंग केस में जेल में गया था। सुबह मैं वजीर आजम था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। और फिर बहुत कोशिश की गई कि मैं हाई कोर्ट से मुझे सजाए मौत हो जाए। एक अच्छे भले चलते बस हंसते बसते मुल्क को अगर इस तरह से हम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे जो पाकिस्तान में हर वक्त गाली गलौची करते रहेंगे। आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क नहीं चलेगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, मैंने 2 मरतबा जेल देखी है। पहली मरतबा तैयारा हाईजैकिंग केस में जेल गया। सुबह वजीर आजम और शाम को हाईजैकर था। वजीर आजम हाउस में बैठा था। कहा गया, गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। कभी जेल कभी जेलावतनी देखना पड़ती है। समझ भी नहीं आता कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। हंसते बसते मुल्क को जब ऐसे लोगों के हवाले करेंगे तो फिर यही हाल होगा। RTS बिठाने के बावजूद हम 2018 का इलेक्शन जीत चुके थे। जब किसी को मुद्दत पूरी ना करने देंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर कैसे चलेगा मुल्क? जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? RTS को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। जब भी बोलता है तो गालियाँ देता है। समझदार लोगों और मुस्तहकम हुकूमत से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें फारिग कर दिया, ऐसा बंदा लाए जिसने इकॉनमी कल्चर का भट्टा बिठा दिया। खुद नहीं आया था, इसको लेकर आए थे। इसने कौम को तबाह कर दिया। ऐसे बंदे को लाते हैं जिसको गालियों के सिवा कुछ आता ही नहीं। उसे लाने वाले भी इतने ही जिम्मेदार है। नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जितना अरसा इक्तदार में रहा इससे ज्यादा अरसा जेलों, मुल्क बदरी, मुकदमे भुगतने में गुजारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 2017 से आज तक हमारे खिलाफ सजाओं का सिलसिला चलता रहा। वो कुछ दिन पहले खत्म हुआ। हमारे पास अब गलती का मौका नहीं। अब भी सबक नहीं सीखा तो हमारी दास्तान होगी ना दास्तानों में। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। अदालत में बयान भी रिकॉर्ड। मौके पर इख्तियार किया कि धरने के दौरान चेयरमैन PTI ने दखल अंदाजी शुरू की। पीरी मुरीदी की आड़ में घर में दाखिल हुए चेयरमैन PTI मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते थे। कई घंटे मेरे घर में रहते, जो गैर अखलाकी और गैर इस्लामी है। 14 नवंबर 2017 से कबल दोबारा रुजू करने की गर्ज से तलाक दी, मगर कबल अज़ वक्त निकाह ने इस पर अमल दरामद ना होने दिया। निकाह की तारीख 1 जनवरी 2018 एक पेशगोई का नतीजा थी। अपर देर में PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम। कारकुनों की जानिब से पथराव और पुलिस की हवाई फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। इंतजामिया का कहना है कि जिले में दफा 144 नाफिज है। हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, PTI पुरअमन है। तमाम सियासी सरगर्मियाँ आइन और कानून के दायरे में हैं।
तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की दुबई में बख्तावर भुट्टो के साथ मुलाकात। फरियाल तालपुर की भी मुलाकात में शिरकत। बिलावल भुट्टो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सियासी शख्सियात से मुजाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की कमेटी कायम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल कुंडी और दीगर को सौंप दी गई। सिंध में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह सियासी मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान में डायलॉग का टास्क चंगेज खान जमाली, रोजी काकड़ और साबिर शाह के सपुर्द। पीपल्स पार्टी की सियासी राबतों की कमेटी का अजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के आवाम, मुसल्ला अफवाज और अदलिया मिलकर मुल्क को मसाइल हल कर सकते हैं। लोग इलेक्शन से ज्यादा मौआशी मसाइल का हल चाहते हैं, शेख रशीद कहते हैं। मुझे डर है आइंदा इलेक्शन के बाद 172 मेंबरान की अक्सरियत साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुल्क के बड़े जिम्मेदारान से दरख्वास्त है मईशत की तरफ तवज्जो दें, शायद इलेक्शन से मुल्क की मसाइल में कुछ बेहतरी आ जाए। आने वाली हुकूमत के लिए मईशत बहुत बड़ा मसला और सवालिया निशान होगा। 40 दिन का चिल्ला इसलिए काटा, किसी के खिलाफ 164 का बयान ना दिया जाए। आर्मी चीफ से हाथ जोड़कर अपील कर चुका हूं, 9 मई में गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को छोड़ दिया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने और अहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। सदर ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने अहदे की भी तस्दीक की। आरिफ अलवी ने अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्त का रखा है। सदर मुमलिकत गैर आइनी इकदाम के मुर्तकब हुए। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म को काम से रोकने की दरख्वास्त भी दायर। पाक फौज के एहलकारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। दो रिटायर्ड अफसरों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी गयी। आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत, हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ बगावत साबित हो गई। आर्मी एक्ट 1953 के तहत कोर्ट मार्शल की सजा नाम ECL में डाल दिए गए। जबर ने अपना काम कर लिया, अब सब्र काम दिखा रहा है। कल कुरंगी वाले सियासी जमातों को चैलेंज करेंगे, अपना मैंडेट छीनने नहीं देंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ऐसा ऐवान मंजूर नहीं जहां मजलूम की दादरसी ना हो। MQM नए और ताज़ा सफर का आगाज कर रही है, आम आदमी को हकूक दिलवाएंगे। किसी को 18वीं तरमीम खत्म नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में इस वक्त इंतशार नजर आ रहा है, मुल्क में सियासत का बहरान है। खत्ते में बदलती सूरतेहाल के दौरान एक एक लम्हा अहम है। ANP के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर हूती कहते हैं, पाकिस्तान में कबूलियत और मकबूलियत की दौड़ लगी हुई है। हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है मैं मकबूल हूँ। कबूलियत के जरिए हुकूमत में आना हमारा नहीं किसी और की सियासत है। हम दौड़ के बजाय हुकूक के लिए जदोजहद को अहमियत देते हैं। बलोच सियासी रहनुमा अमानुल्लाह खान ने ANP में शमूलियत का ऐलान कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान के नजरिए को आगे लेकर चलेंगे। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत होगी। अदालत उज़्मा का एक खसूसी और एक लार्ज बेंच के अलावा 5 रेगुलर बेंचेस तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी खसूसी बेंच 318 नैब अपीलों पर समाअत करेगा। कौमी क्रिकेटर्स इमामुल हक और फहीम अशरफ ने कैरियर की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। फहीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल पहुंचे। बारात का इस्तकबाल करने वालों में मुस्लिम लीग नून के रानुमा एसएन इकबाल शामिल थे। सबक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल दूल्हा के हमराए।
दूसरी जानिब ओपनिंग बैटर इमामुल हक भी नॉर्वेजियन पाकिस्तानी डॉक्टर अनमोल महमूद के साथ रिश्ता इस्तवास में बन गए। वलेमी की तकरीबात का आगाज आज होगा।